support us creating more short films, please subscribe and share. शहरों में भी लोग चिंतित हैं क्योंकि ये सब तो चलता ही रहेगा। ये दुनिया ही ऐसी है, कहीं तूफान, कहीं आंधी, कहीं वॉल्कनो, कहीं जलजले। अरे पता है इसके पीछे वजह क्या है? हम हैं, हम ही लोग हैं जो इस दुनिया में हरियाली में जीना नहीं चाह रहे। हाँ, लेकिन एक वक्त ऐसा भी होगा जब ये सब एक साथ इस पूरे जहां में होगा, और वो वक्त आखिरी वक्त होगा। अरे यार, तू भी कहाँ ये सब बातों में यकीन रखता है? अरे छोड़ो यार, अपना अपना कंप्यूटर संभालो, ऐसी सुबह से आज इमरजेंसी अलार्म बज रहा है। क्या बोलती है मालूम? तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तो मैंने कब कहा कि जियो? और वो बता रहा हो क्या, रोजाना दिन में एक बार मिल लिया करो, तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। तूने उसको बताया नहीं भाई? तेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है। दिन भर और लड़कियों से भी तो मिलना रहता है भाई को। टीना, मीना, हसीना, कलीना, हसीना, किलोना। नहीं यार, अब सब ये सब छोड़ दिया हूँ मैंने, अब तो बस शादी ही करनी है। शादी? देख, मैं तुझे हमेशा समझाता हूँ, ये सब बुरी चीजें हैं यार। छोड़ ये सब चीजों को, इससे कोई हासिल नहीं है, ना इस दुनिया में और ना ही आखिरत में। अरे यार, फिर ये आखिरत पे शुरू हो गया। देख, ये सब छोड़, अपना करियर फ्यूचर बना और एक सच्चा मुसलमान बन। जान देना यार, तू भी किसके आगे बीन बजा रहे? हाँ यार, चलो यार निकलते हैं, शाम भी हो चुकी, मुझे भी अपना पूरा असाइनमेंट पूरा करना है। असाइनमेंट यार डिस्को? अबे असाइनमेंट ही है। एक बात है लेकिन मेरे दोस्त, तू ये सब कर कैसे लेता है? तेरा भाई है ना भाई, साला बदन से बगले की टांग, जेब में फटी कौड़ी नहीं, मैं लड़कियां पटा कैसे देता? एक नंबर का नौटंकी साला। ये फजल, तू भी इन लोगों के साथ यार। जाने देना यार, कल के लिए भी कुछ छोड़ते हैं यार, पूरा ही बोल लेगा आज। उर्बे कयामत की वो तमाम निशानियां जिसकी पेशीन गोई हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, यके बाद दीगरे नमूदार हो रही हैं, लेकिन इन तमाम बातों से गाफिल आज का हमारा नौजवान लाइल्मी के समंदर में गर्क, लापरवाही का कलादा गले में डाले, जिंदगी के कीमती लम्हात को बेदर्दी से रौंदता हुआ और इस्लाम को शर्मसार करता हुआ बदमस्त नजर आता है, और ये कहानी इसी किरदार को उजागर करती है। चल भाई, ये दोनों गए, अब तेरी भी मंजिल आ गई, कल आ जाना टाइम पे। भाई तू ही आ जाना टाइम पर। क्या भाई, मैं तो हमेशा जल्दी आता हूँ यार। चल ठीक है, मिलता हूँ कल। हाँ चल, बाय।
आ गए तुम? आमिर, मैंने कितनी मर्तबा तुमसे कहा कि कोई नौकरी या जॉब तलाश कर लो, ताकि तुम्हारा दिमाग भी किसी काम में लगा रहे और शैतानी वसाविश से भी तुम महफूज रहोगे। आपका मतलब मैं शैतानी हरकतें करता हूँ? अरे मेरा मतलब, आप लोगों का तो हर बात पे कुछ ना कुछ मतलब रहता ही है। अरे मेरा मतलब था, खाली घर और खाली जहन शैतान के होते हैं, कोई जॉब तलाश लोगे तो यकसू होकर जहन एक जगह रख सकोगे। अच्छा हुआ आ गए तुम बेटा, क्या हुआ तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अच्छा आमिर, जरा एक काम कर देना बेटा, चक्की से जरा आटा ले आ। चक्की वाला कह रहा था उसका लड़का गांव गया है, कोई डिलीवरी के लिए है नहीं। क्या हो गया तुझे? सड़िया गए सभी इस घर में। आमिर क्या हुआ? हाँ बाबा जाऊंगा, कल ले आऊंगा, अब जरा चैन से खाना खाने दो। बेटा कर लेने दो इनको अपनी मनमानी, इनकी उम्र ही ऐसी है कि जो बात हम बोलेंगे इनको कड़वी ही लगेगी, इन्हें बातें समझ में नहीं आएंगी बल्कि ये हमें खुद समझाएंगे। हमारी बातें तो उस वक्त इनको याद आएगी जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। उफ, आप लोग क्या क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तंग आ गया हूँ मैं इस रोज रोज की बातों से, जब देखो तब किट किट करते रहते हैं। हाँ मुन्ना बोल, पहुंच गए तुम लोग? आज तो डांस ही डांस है भाई। क्या सनी आ गया क्या? हाँ मैं बस तैयार हो रहा है, अभी आगे निकला। तुम लोग तू आग बंद कर, पहुंच रहा हूँ मैं। हाँ पलक झपक मैं पहुंचता हूँ, चल। अरे यार मैं शराब नहीं पीऊंगा यार, तू तो जानता है यार हम लोग में ये प्रेग्नेंट है यार। शराब? अभी तो इसको शराब बोलता है भाई साहब, ये शराब या विस्की है क्या? फिर अबे छोड़ ना यार, ले गटक फिर मजा देख। ठीक है भाई लाओ। अरे यार ले अरे कुछ नहीं, अरे ठीक है यार अरे तू पी पी तू मजा आएगा, पी ना अरे पी। अबे हम लोग इंसान नहीं है क्या पी रहे ले? शराब नहीं बियर, बियर शराब नहीं, बियर बोला। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। अभी थकेगा नहीं तू, थकेगा नहीं।
देखा दो ग्लास गटका तो कैसा झूमने लगा और बोला था शराब हराम है। ए, शराब नहीं शराब नहीं बियर शराब नहीं है बियर है। अच्छा वो सनी तूने आज इसे डांस नंबर सब पिला ही दिया लेकिन आज बहुत मजा आ गया है बहुत मजा आ गया है। तूने बहुत चढ़ा भी लिए इतने भी चढ़ा लिए गाड़ी इतनी सन्नाटे में क्यों खड़ी गया डिस्को के पार्किंग में लगा देता वहाँ साइकिल रखने को भी जगह नहीं थी वहाँ। आज संडे है संडे लेकिन तुझे हुआ क्या एक और करा ले क्या शराब नहीं है बियर बोल बियर बियर चाहे वो हाँ तो बोल थक गया अभी जा रहा हूँ ओके सी यू बाय बाय सी यू बियर ओके बाय बाय बाय। अरे रुक 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 एकदम बहुत मजा आ गया यार बहुत चल बाय बाय। अरे रुक 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 अरे लेकिन यार बहुत मजा आ गया यार आना मेरे भाई बहुत मजा आया चल अभी मुझे जाने दे बहुत चक्कर आ रहे मुझे चल 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 आज के जाओ। अरे रुक रुक अरे अरे तेरे को चक्कर आ रही है तू गाड़ी कैसे चल रहेगा। अरे ये क्या है कितना है बता 40 अच्छा ये 44 ठीक है चल अरे रुक अरे अरे आखिरी बात अरे सुनने चला गया आज तुझे शराब कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। ये शराब नहीं बियर बोल बियर मेरे बाप बियर चल अब चल। लेकिन वो जाएगा कैसे। अरे उसने 2 को 40 और 3 को 44 बोला जाने दे यार वो टाइम अरे टाइम को हो गया है लेकिन उसका क्या इसका क्या। अरे बाबा 3 को 40 और 2 को 44 अरे बाबा बस यार मैं जा रहा हूँ यार आना रहता तो ये लोग अब तक आ चुके होते। ये भाई तेरे से बोल रहा हूँ ले तेरे इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। क्या यार कहाँ रह गया था यार कब से तेरा वेट कर रहे हम लोग। क्या हुआ बताएगा भी क्या दोस्त तेरे चेहरे से तो लग रहा है कहीं से फटके खा गया है। कल पब चला गया था यार डांस पब और वही हो गया लफड़ा। अभी वैसे बोलने तो दे। कुछ नहीं यार कल बियर पी ली थी यार। क्या बोले शराब पी ली लो। शराब कहाँ यार। हाँ यार फजल बियर का शराब होती है वो तो रूह अफजा होती है। वो मुन्ना और सनी है ना उन लोग लेके चले गए थे यार पब में। अपना मुन्ना है ना मुन्ना जबरदस्ती पिला दी यार। तो मुन्ना ने तुझे जबरदस्ती पिला दी अब तो तू गया बेटा। क्या यार बड़े दुख की बात है तूने एक हराम चीज को अपने गले से उतार लिया। अरे यार छोड़ना यार कौन सा गुनाह अजीम कर दिया है उसने। हाँ यार चल यार कहीं जाएंगे यार मैं भी टेंशन में हूँ चल। क्या हो गया यार तुम लोगों को किस दिशा में जा रहे हो तुम लोग। ये गुनाह अजीम नहीं तो क्या है। शराब पी है शराब
जिसे पीने से तुम्हें और मुझे पैदा करने वाले उस रब ने सख्त मना फरमाया यार, और तुम लोग हो कि वही बोल यार, आज तू बोल बोल यार, तू क्या कहना चाहता है? मैं भी कल से बहुत उलझन में हूँ यार। चल शुक्र है तुझे एहसास तो इस बात का। देख मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन एक चीज़ हम लोगों के लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसे हम पर हराम कर दिया है। ये हराम चीज़ है यार, और एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? छोड़ना यार, क्या हलाल हराम की बात कर रहे हैं? ऐसे भी मुसलमानों ने अपने ऊपर कितने हराम को हलाल कर बैठे हैं। बात करता है हराम हलाल की। देख फजल, दुनिया का हर अच्छा इंसान इसे बुराई मानता है, क्योंकि ये बुराई की माँ है यार। इससे रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं, इंसान बहक जाता है, फैमिली की फैमिली तबाह हो जाती है। देख आज से तू ठान ले कि शराब की तरफ तू देखेगा तक नहीं। यार वहीद, एक बात बोलूँ यार, बस कर यार, मैं इतना भी उलझन में नहीं था दोस्त, बस कर, बख्श दे भाई बख्श दे। चुप कर यार, बहुत बोल लिया भाई। चलो रे, बहुत सीरियस हो चुका, चलो कुछ खान पीन हो जाए। चल फजल, तुम लोग इस बात का ऐसे कैसे मजाक उड़ा सकते हो यार? अरे यार ये तो सीरियस हो गया। बात सीरियस होने की नहीं है, लेकिन तुम लोगों को आखिरत का कोई डर नहीं है? अबे यार क्यों छेड़ दिया यार इसको, ये दुनिया फना होने वाली है यार, और वो दिन दूर नहीं। बचो इन दुनिया की बुराइयों से। चल भाई वही तेरी बात मान ले यार, आज के बाद शराब को पीऊँ पीऊँगा तो क्या, देखूंगा तक नहीं। भाई चले अब, इसे अपनी सेहत भी तो खराब होती है। अबे यार इसको अरे जाने दो ना, तुम लोग जब बात को समझना ही नहीं चाहते हो तो उसे यहीं दफन कर दो ना। चल चल बैठ जा मेरे दोस्त। नहीं तू नहीं बोलता तो थोड़ी ना बैठता। दिल पे ना लो यारो, दिल पे ना लो, दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले, दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले। बुड्ढे सर ये देख, सर बोला अपने को, सर बोला रे। क्या सर करूँ सर, जाओ आज तुम पर छोड़ दिया यार, जो दिल में आए खिला दो, लेकिन याद रहे मजा आना चाहिए। तो सर मैं आपके लिए टिमटिम चिकन ले आऊं। ओए ये टिमटिम चिकन क्या है, ये तो कुछ सादा लग रहा है यार। भाई इनके लिए टॉम टॉम मगरमच्छ ले आना। अरे जाओ यार जाके जो है ले आओ यार, और हाँ मुर्गी जरा ज्यादा डाली हो। तू भी यार दे। अपनी नजरों की जरा हिफाजत कर। मैं रोज पालक खाता हूँ गाजर भी। अरे मेरा मतलब वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि अपनी आंखों को ये नंगी चीजें देखने से बचा। भाई साहब देखो तो सही क्या पढ़ रहा था। अबे वही पन्ना रहने दिया था तो पता चलता था ना क्या देख रहा है तू। चल यार रख, चल टिमटिम चिकन आ गया। चल भाई वो बहुत तगड़ी लगी। मान गए दोस्त, 5 मिनट में पूरा खाना खा लिया, मगर खाया पूरे 8 लोगों का है। अबे चल 8 लोगों का खाया। चलो यार मुझे निकलना है, टाइम हो गया मेरा, मैं चलता हूँ। हाँ यार जाने दो, इसे हमारे मुख्यमंत्री इंतजार करेंगे। हाँ यार मंत्री जी से बोल रहा है इसको उन्नति वगैरह करा यार। कुछ भी यार तुम लोग भी लेते हो। क्या दोस्त काला चश्मा पहन के पब्लिक को धक्का? माफ़ करना दोस्त, इस काले चश्मे के पीछे जो आँखें हैं ना वो देख नहीं सकते। ओह सॉरी भाई, क्या तुम देख नहीं सकते? हाँ दोस्त, इस शरीर में बस इसी चीज़ की कमी है। ओए क्यों कोस रहा है अपने आप को, तुम्हारे पास तो आँख नहीं है, कितनों के पास तो हाथ पैर नहीं होते हैं। और शायद तुम्हारे पास सारी चीज़ें।
अच्छा अगर खुदा ने तुम्हें आंखें दी होती तुम क्या करते? मेरे पास आंखें होती तो मैं इस रब के पूरे निज़ाम को देखता, इन चरिंद परिंद को देखता, आसमान को देखता, ज़मीन को देखता, इन फूलों को देखता, उसके रंगों को देखता, सूरज का पूरब से निकलना, पश्चिम में ढलना, आसमान में बादलों को देखता और रातों में चांद और तारों को देखता और उसकी तारीफ़ करता जिसने इन सारी चीज़ों को बनाया और इसके ज़रिए अपने ईमान को बढ़ाता। क्या ओए, दुनिया में और कुछ नहीं था देखने के लिए? तुझे तो वहाँ होना चाहिए था। ए वही, ये देख तेरा एक और साथी। लेकिन दोस्त कभी कभी खुश भी हो जाता अपने अंधे होने पर कि अगर खुदा ने आंखें दी होती तो इन आंखों का हिसाब देना पड़ता, इससे क्या देखा, क्या अच्छा देखा, क्या बुरा देखा, अच्छी चीज़ें या आज के नौजवानों की तरह बुराइयों को देखने में। चलो भाई मैं चलता हूँ, टेक केयर। लगता है काले चश्मे ने कोई सदमा दिया। चलो यार चलते हैं अभी। तो ठीक है, कल तक 10 बजे। कॉलेज कौन जाएगा यार, एक दिन तो तुझे भी डांटी माननी होगी यार। नहीं तू तो शायद बर्थडे वगैरह भी नहीं आता है। कैसे नहीं आएगा यार, ये जनाब बर्थडे वगैरह अटेंड नहीं करते भाई। नहीं यार आना तो पड़ेगा ही, मेरा दोस्त 1 साल मौत के करीब जा रहा है, उसके एक ज़िंदगी का 1 साल ख़त्म हो गया। आता हूँ, डन। ये बात नहीं है यार, बस छोड़, ड्रॉप कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अब्बा। वालेकुम सलाम। कल का जुगाड़, चल बेटा अब्बा मूड में आज। अब्बा अब्बा वो मुझे 100 रुपये चाहिए थे। नहीं है फिलहाल पैसे। अब्बा वो कॉलेज के लिए किताब लेनी है। कहा ना नहीं है पैसे, अभी तो ले गए थे 1800 रुपये पूरे 1 साल के लिए, कापी किताब के लिए। हाँ अब्बा लेकिन कॉलेज में एक और किताब मंगाए, वो बार बार जरूरत पड़ती है ना अब्बा। मंगाए होंगे, कहाँ से लाऊं पैसे सर, इतने बड़े हो गए 21 साल के, मैं कब तक पैसे देता रहूँगा तुमको? पढ़ाई के साथ काम क्यों नहीं कर लेते? कॉलेज के अलावा बाकी वक्त यहाँ वहाँ बर्बाद करते फिरते हो तुम लोग। नौकरी तो छोड़ो, खाली वक्त में मेरा हाथ तो बटा लेते। तुमसे तो ये भी नहीं होता, एक धागे का बंडल लाना होता है तो मुझे जाना होता है दुकान अपनी कमर में दर्द लिए हुए। तुम लोग सिर्फ खाओ पियो सो घूमो, किसी काम की नहीं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ना दीन के ना दुनिया के। लोग पढ़ाई पढ़ते हैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, और ये है कि लो लाओ किताबें अपनी। वसीम जी। अब्बा नमाज पढ़ ली तुमने? हाँ अब्बा पढ़ तो रहा हूँ नमाज। वालेकुम अस्सलाम। राबिया बेटा बैठो एक मिनट। बेटे कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई? जी अब्बू ठीक चल रही। बेटा बचपन से अब तक मैं तुम्हारे साथ एक बाप का ही नहीं बल्कि एक दोस्त का किरदार भी निभाता आया हूँ। बेटे मैं तुम्हारा अब्बू हूँ, मैं जो कुछ भी कहता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, लेकिन आज जो मैंने देखा तो ये एहसास मेरे अंदर जागा
और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं क्या कमी कर दिया तुम्हारी तरबियत में और क्या खामी रह गई मेरी तरफ से तुम्हारी तरबियत में। किससे छुपाते हो तुम लोग? मुझसे? घर वालों से? शायद कामयाब भी हो जाओ, लेकिन अल्लाह से? क्या अल्लाह का खौफ नहीं तुम्हारे दिल में? बेटा ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है, हम इसमें एक मुसाफिर की तरह हैं। जी अब मैं कुछ समझी नहीं। बेटा ये जो तुम्हारा बुरका है जो तुम्हें बुरी नज़रों से बचाता है, ये गोया ऐसा लग रहा है इसे लपेट कर कहीं रख दिया गया था और अभी अभी निकाल कर पहना है, जबकि तुमने सुबह से इसे पहन रखा है। अब तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ? बेटा ये जो हिजाब है ये एक सीप की तरह है, जिस तरह सीप के अंदर मोती महफूज रहता है, ठीक इस्लाम ने इसी तरह औरत की हिफाजत के लिए ये दिया है, और इस्लाम ने औरत को एक जेवर की तरह, एक मोती की तरह समझा है, इसीलिए उसको जो ये हिजाब दिया गया है। ठीक है, मैं हिजाब के ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा फिलवक्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी की पूरी सूरत तुम्हारे लिए उतारी है, सूरह निसा का मुताला एक बार ज़रूर कर लो। जी अब्बा। और हाँ, जो वो ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह ले रही थी, अगर वो किसी सहेली वगैरह के लिए है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी और मकसद के लिए ले रही हो तो बड़े शर्म की बात है। ये एक बाप होने की हैसियत से मैं डांट डपट कर इन सारी चीज़ों से दूर रहने की ताकीद कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक तुम्हारा एक अच्छा दोस्त भी हूँ और तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूँगा। बेटा ये जो सारी चीज़ें हैं बेबुनियाद चीज़ें हैं, ढकोसला हैं, धोखा हैं, ये उम्र के साथ आती हैं चली जाती हैं, अपनी इज्जत और दामन पर बदनुमा दाग हैं, और फिर सबसे बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बेहुदा रिश्तों से मना फरमाया है जो इंसान को गुनाह कबीरा की तरफ ले जाती हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कोई परेशानी हो, कोई मसला हो तो मुझसे शेयर करना, तुम्हारा बाप हूँ मैं, ज़िंदगी की ऊंच नीच देखा हुआ हूँ। अक्सर तुम जैसे बच्चे अपने हम उम्र सहेलियों के पास इन मसाइल को बयान करते हैं और उनकी सोच भी चूँकि महदूद होती है उसी तरह की होती है जिस तरह तुम्हारी सोच है, इसलिए वो हल नहीं कर पाते हैं, उसमें बुराई के ज़्यादा इम्कान हैं। हाँ, ऐसा कोई तुम्हारा दोस्त हो जो तुम्हारी दीन और दुनिया दोनों की भलाई चाहता हो और उसको तुम शेयर करो तो कोई हर्ज नहीं। खैर अब तुम जाओ, लेकिन मेरी बातों को ज़रा ध्यान में रखो। ठीक है अब्बू, लेकिन मैंने वो कार्ड अपनी सहेली मुमताज के लिए लिए थे। खैर ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन एक बात और, आइंदा कभी ऐसी कोई बात सामने आती है तो मैं तुमसे एक बाप की हैसियत से बात करूँगा, किसी दोस्त की हैसियत से नहीं। उफ, आजकल के बच्चों की तरबियत करना भी एक बड़ा काम है, अल्लाह इनको महफूज रखे। अरे हट ना, एक गेम ओवर होने वाला है। अरे यार तूने उसको बताया तो था ना कि ये आना है, सबको आया नहीं अभी तक? यही तो बताया था यार, वो देख आ ही गया भाई। क्या भाई, आज बर्थडे तो क्या नवाब की तरह लेट आएगा? क्या हुआ, क्या हो गया भाई, बताएगा अभी? कुछ नहीं यार, मेरे घर में जो बुड्ढा बुड्ढी है ना, दोनों हाथ धो के पीछे पड़ गए। छोड़ना यार, ये हर घर की कहानी है, मेरे भी माँ बाप मेरा दिमाग ख़राब करते हैं, छोड़। तो क्या हो गया यार तुम लोगों को, हद करते हो यार, माँ बाप है वो तुम्हारे? अरे यार माँ बाप है तो माँ बाप की तरह रहना यार। हटा साला, तंग आ गया रोज किच किच से, जब देखो तब काँव 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 काँव। सही है यार, सही कहता है तू, और हालत तो क्या चीज़ है, हो सके तो निकाल देना चाहिए इन बूढ़े माँ बाप को। बड़े हो गए हम लोग, ताकत आ गई है जिसमें हमारे, और क्या कर सकते हैं बूढ़े माँ बाप, और अल्लाह ने भी हुक्म दे दिया कि उफ तक ना कहो। अरे कैसे ना कहें यार, हरकत ही ऐसी करते हैं। कौन सा एहसान कर दिया माँ ने जो 9 महीना पेट में रखकर दर्द सहती रही, कौन सा एहसान कर दिया जो जन्म देते वक्त अपनी जान की बाजी तक लगा दी उसने, कौन सा एहसान कर दिया जो रात रात भर जाग जाग कर हमारे पेशाब पैखाने साफ करती रही, और जब हम छोटे से लाचार जब अपने ऊपर का एक मच्छर तक नहीं हटा सकते थे, उस वक्त रात रात भर जाकर ये इंतज़ार करती कि कब हमें आराम मिल जाए और वो सोए। और हाँ फजल, वो बाप, तो बाप ने भी कौन सा बड़ा तीर मारा यार, जो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई, हम पर खर्च की, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और आज हमें ताकत आ गई है
जब खुद की हिफाजत हम लोग खुद कर सकते हैं तो क्या जरूरत है इन माँ बाप की। निकाल दो इनको यार, या हो सके तो खुद ही छोड़ के चले जाओ ना, उस उम्र में जब उन्हें हमारी जरूरत है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी दोस्त, उस वालिदैन ने कभी हुड तक नहीं कहा जब हमें उनकी जरूरत थी। कितनी भी शरारत करते रहे यार, गले से लगाए रखा हम लोग को, कितना भी सताया लेकिन कलेजे से लगाए रखा हमें। बस यार क्या इमोशनल डायलॉग मार रहा है, अरे उसका बर्थडे है यार। अबे यार तू चुप बैठ, क्या है? सुन भाई तू क्या कह रहा है मैं खुद को समझ रहा हूँ, चल यार कहीं चलते हैं। अपनी सोच बदलो यार, माँ बाप से बेरुखी कयामत की निशानी है यार, कयामत की निशानी। हाँ यार, अम्मी अब्बा से इतना चिड़चिड़ नहीं करना चाहिए था, कितने गलत होते हम लोग अक्सर। अच्छा वो वही तूने आंखें खोल दी है मेरी। चल भाई इमोशन खत्म हुआ तो अब चले। हाँ कयामत, अब ये कहाँ से आ गया यार। ए सुनो तो, ए वही तू सुन, मुझे भी देखनी है कयामत जिसे मैं मानता नहीं। तुझे तो हर चीज में मजाक सोचती है यार, चल। निकल गया। चल यार निकलिस, कल आ रहे ना तू कॉलेज में? डन, कॉलेज बिना जाएंगे कहाँ दोस्त। कल असाइनमेंट भी सबमिट करना है यार, तूने कंप्लीट कर लिया क्या? मत पूछ यार, ये तो तेरा हर साल का है यार। चल टेक केयर, बाय। चल सी यू। रात में 11:45 पर आए इस भूकंप से कई लोग पीड़ित हैं, जबकि कई शहरों में इसके झटके महसूस किए गए हैं और लोग चिंतित हैं। इस तरह का ये पहला भूकंप है जो कि इतने सालों के बाद देखने में मिला है। यहीं पर अब शहरों में भी लोग चिंतित हैं क्योंकि कई शहरों में इसके झटके महसूस किए गए हैं जो कि पिछली रात के भूकंप का असर था। सूत्रों के अनुसार 5 से 8 मिनट चले इस भूकंप ने बहुत बड़ी तादाद में नुकसान पहुँचाया है। और अब चलते हैं हमारी स्पेशल न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले चंद झलकियां दिखाते हैं कि किस तरह से एक छोटी सी चिमुकली नाम की बच्ची ने अपने घर वालों की मदद की। अबे क्या हो गया बे? बोलेगा भी खाली हंसता रहेगा। क्या है यार? मेरे बाजू वाला अंकल है ना, पूरी रात सोया ही नहीं, वो रात भर ईश्वर अल्लाह ही करता रहा। मालूम क्यों?
भूकंप रे? नहीं रे, यही तो मजे की बात है। उसका कबाड़ टिल गया था और वो समझा कि भूत आ गया। वो रात भर ईश्वर अल्लाह ही करता रहा। हाँ यार, एक पल के लिए तो मैं भी डर गया था। अच्छा हुआ टल गया यार, वरना मैं तो कल अपने बिल्डिंग के नीचे दब गया था भाई। हाँ देखो ना यार, किस तरह दुनिया भर में जलजलों की तादाद बढ़ गई है, और इन 3 सालों में तो कुछ 75 गुना बढ़ गई है। ये सब दुनिया वालों का, मतलब अपन लोग का ही किया हुआ है यार। टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि पूरे दुनिया का वातावरण का संतुलन ही बिगड़ गया है। वातावरण संतुलन, क्या प्योर हिंदी है बे? अबे एग्जाम में इतना लिखा होता तो 4 साल पहले KDE क्लियर कर चुका होता। सही कहा मेरे दोस्त, ये तो होना ही है यार। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने पहाड़ों को कीलों की तरह गाड़ रखा है, और हम लोग टेक्नोलॉजी के नाम पे आज पहाड़ों को तोड़े जा रहे हैं। इससे दुनिया का बैलेंस तो बिगड़ेगा ही, और ये दौरे आखिरत में होना ही है। तो तेरा मतलब हम लोग दौरे आखिरत में? ये दौरे आखिरत क्या है? अरे यार, कयामत से पहले का वक्त। बाप, तू क्या चाहता है यार? जब देखो कयामत 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 लगाए रहता है, हर चीज हर लाइन में कयामत, जिसका कोई वजूद ही नहीं है बे। वसीम, हर मुसलमान यहाँ तक कि दूसरी कौम वाला भी जानता है कि कयामत होनी है, और साइंस ने भी इसे साबित किया है यार। हर चीज़ जो दुनिया में आई है उसकी एक तयशुदा ज़िंदगी है, और यूनिवर्स के सारे ग्रह अपना बैलेंस खो रहे हैं। बचपन से मरने तक हर कोई सुनता है, मरना है, कयामत है, जन्नत है, जहन्नुम है वगैरह, फिर भी हमारे अमल इस बात का सबूत नहीं देते कि हमको इस बात पर यकीन है। और अल्लाह के कलाम में है दोस्त कि तुम ज़रूर इसे देख लोगे, और जान लो कि तुम यकीनी आँखों से इसे देख लोगे। चल छोड़ ये सब, एक बात बता, तू बहुत बोलता है ना इस्लाम के मुताबिक कयामत से पहले ऐसा होगा ना वैसा होगा, मुझे एक बात बता, आज तक तूने कोई एक चीज़ अपनी आँखों से देखा क्या? बहुत सही दोस्त, अब जवाब दे, जवाब दे। बोल ना मस्तान, बोल ना। देखी क्या कोई चीज़? तुम लोगों के दिमागों में ना ताला लगा हुआ है। चल यार बात को घुमा मत, आज से ये टॉपिक बंद बंद बंद। चलो तुम लोग सुनने को तो तैयार हुए? चल भाई अभी आगे तो बढ़। कयामत, उस दिन का नाम है जिस दिन ये सारी दुनिया, चांद सितारे सूरज, सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे, सब कुछ नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। अरे यार, ये सब बचपन से सुनते आए हुए हैं, अब तक कोई निशानी हुई है तो बोल। तू 2 मिनट चुप बैठेगा तो मैं बोलूँगा ना। कयामत की बहुत सारी निशानियाँ हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, कुछ हो चुकी है और कुछ अगर गौर करो तो लगता है हो रही है। इससे हमें मालूम होता है कि कयामत करीब ही है, जैसे माँ बाप की नाफरमानी जो आज हर घरों में देखने को मिलती है, और कुछ तो औलाद ऐसी है जो अपने माँ पे हाथ उठाते हैं यार। जिना और शराब का आम होना, आज देखो मार्केट प्लेस को, नुक्कड़ पर, बाज़ारों में, रोड पर लोग शराब और चकना लेके बैठे नज़र आते हैं, और जिना तो ऐसे आम हो गया है, आज का जो निज़ाम है इसे होने वाली बीमारी से बचने का उपाय बताकर इसे करने की पूरी छूट देती है, और कुछ देशों में तो ये कल्चर बन गया है। और तू वसीम, तू भी तो इन बुराइयों में आगे रहता है। एक बुज़ुर्ग कयामत के बारे में बता रहे थे कि औरतें लिबास पहनने के बावजूद जैसे बिना लिबास के नजर आएंगी, और आज देखो लिबास इतने टाइट फिटिंग होते हैं कि कपड़े पहन के भी बदन, पूरा बदन उभर के दिखता है। यहाँ तक कि फैशन के नाम पर बुरके का डिज़ाइन भी इस तरह का होता है कि बुरके का मकसद ही नहीं पूरा होता। कत्ल जो है वो आम हो जाएंगे, मरने वाले को ये पता नहीं होगा कि उसे क्यों मारा गया, और मारने वाले को भी ये पता नहीं होगा कि उसने क्यों मारा, और आज ये मंजर हम देख रहे हैं। और इस तरह एक इंडिविजुअल से लेकर कौम के कौम और मुल्क के मुल्क तबाह हो रहे हैं, बेगुनाहों का खून किया जा रहा है, कभी आतंकवाद के नाम पर किया जाता है और कभी धर्म की आड़ में किया जाता है। भरोसा ख़त्म हो जाएगा, लोगों के मामलात को सुलझाने वाले, लोगों के मामलात को जज करने वाले इस काबिल ही ना होंगे कि वो लोगों के मामलात को सुलझा सके, बल्कि वो लोगों के मामलात को मज़ीद उलझा देंगे। इसी तरह बड़े बड़े ओहदे या तो जाहिलों के हाथ में हैं या खुद परस्तों के हाथों में, जो मामलात को सही तरह से अंजाम नहीं दे पाते, लिटरेट नहीं है बल्कि इलिटरेट हैं, और वो अपनी इलिटरेसी की वजह से इदारों को, इंस्टीट्यूट को गलत तरह से चला रहे हैं। खौफ खुदा सिर्फ किताबों में है या तकरीरों में, इनकी अमली ज़िंदगी से खौफ खुदा जो है वो दूर है। मौसम का कोई ठिकाना नहीं होगा, जैसा कि आज हम देख रहे हैं,
ठंडक में गर्मी, गर्मी में बारिश वगैरह, लोग जानवरों की तरह से रास्तों पर, आम जगहों पर वो हरकतें करेंगे जो इंसान पर्दे में करता है। और आज देखो, ज़िना और दूसरी बुराइयों को डांस और दूसरी शक्लों में खुलेआम किया जा रहा है। औरतों के मुकाबले मर्दों की तादाद बहुत कम हो जाएगी, लोग अपने माँ बाप से दूर हो जाएंगे, अपने बुजुर्गों के बारे में बुरा भला कहेंगे। और आज का हाल देखो कि आज जो है मॉडर्नाइजेशन के नाम पर लोग अपने बुजुर्गों की तालीमात को पैरों के तले रौंद रहे हैं। पूरा का पूरा घर, उसमें फर्नीचर, साजो सामान, गाड़ी घोड़ा हलाल और सही तरीके से हासिल करना बहुत मुश्किल है, बल्कि कभी कभी तो नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर आप जो भी चीज़ चाहो ब्याज पर ले सकते हो, सूद पर ले सकते हो, बस एक फ़ोन करने की देरी होती है। एक फ़ोन कॉल किया, बस हर चीज़ आपको तैयार मिल जाएगी इस दुनियावी जन्नत में डालने के लिए, जो हकीकत में अल्लाह की जहन्नम होगी। और अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ हलाल तरीके अपनाओगे, ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से कोशिश करोगे, तो शायद आपको इस दुनिया में बेशतर तकालीफ, परेशानियां और हकीरी का सामना करना पड़े। मानो जहन्नम है इस दुनिया में, मगर हकीकत में इंशाल्लाह ये आखिरत में जन्नत होगी। लोगों के पास धन तो बहुत होगा, लेकिन गरीबों की तादाद भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उन तक उनका हक नहीं पहुंचेगा ना। आज देखो, जिसके पास पैसा है वो ऐश और अय्याशी में डूबा हुआ है, और दूसरी ओर लोग भूख से मर रहे हैं। इसी तरह म्यूजिक जो है वो आम हो जाएगी। और आज हम देख रहे हैं कि छोटे से बच्चे से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट तक एयरफोन कान में लगाए हुए हैं और म्यूजिक सुन रहे हैं। हर घर के अंदर म्यूजिक के डिवाइसेस पाए जाते हैं, यहाँ तक कि अगर उनके खाने को भी नहीं है तो भी उनके अंदर म्यूजिक, घर के अंदर म्यूजिक के तमाम डिवाइसेस पाए जाते हैं। दज्जाल तो आएगा ही, लेकिन उससे पहले 300 फितने आएंगे। कहते हैं कि वो एक आँख का होगा, या ये समझिए वो एक तरफ ही सोचेगा। वो इतना ताकतवर होगा कि जो उसकी बात न माने ना, उसको मिटा के रख देगा, अपने आप को खुदा कहेगा। आज दुनिया के जो ताकतवर लोग हैं, चाहे वो एक फर्द हो या एक हुकूमत, जो उनकी जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी उसमें हाँ में हाँ मिला रहा है, वो सुकून से है। लेकिन जिसने हक की बात कही, उनकी मुखालफत की, वो मिटा दिया जाता है। उस वक्त दिन ऐसे गुजरेगा जैसे साल का महीना, महीने का हफ्ता और हफ्ते का दिन। आज की फास्ट लाइफ को सभी लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सूरज जो वेस्ट से यानी मगरिब से निकलेगा और मशरिक यानी ईस्ट में डूब जाएगा, और साइंस ने भी तो इस बात को प्रूव कर दिया। और जिस दिन मेरे भाई ये हुआ, सब ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, उसके बाद कोई तौबा कबूल नहीं है। सूरज जो है वो इतना करीब आ जाएगा कि उसकी तपिश से इंसान का दिमाग खौल उठेगा। ज़मीन को हिला डाला जाएगा इतनी शिद्दत से कि इंसान कह उठेगा, अरे इसे क्या हो गया है। सबके चेहरों पे खौफ, इतना खौफनाक होगा। और पता है इसके होने में, यानी कयामत के होने में कितना फ़र्क है। अल्लाह के रसूल ने इस तरह बताया कि उनमें और कयामत में इन दो उंगलियों का फ़र्क है। बस कर यार, ऐसा लग रहा है कयामत अभी आ जाएगी। ऐसे भी दो उंगलियों का फ़र्क बहुत कम होता है ना, ये देख दो उंगलियों का फ़र्क कितना कम है। हाँ, क्या पता, जिस तरह हालात चल रहे हैं लगता है कि कयामत करीब ही है। मैं तो अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, और दज्जाल का फितना से बचना बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए। यार वहीद, मान लिया कि कयामत इसी तरह होंगी, और जो निशानियाँ तूने बताया है ये सब भी सही है, लेकिन जब आएगी तब आएगी यार। आज जो ज़िंदगी उसकी सोचते ना। एक और बात, कयामत जब होनी है तब होनी है, लेकिन जब हम मर जाएं तब तो हमारे लिए कयामत हो ही गई ना, क्योंकि मरने के बाद तो हम कयामत के बाद ही उठाए जाएंगे ना, हश्र के मैदान में। चल यार, मैं जा रहा हूँ। कहाँ चला भाई? भाई अरे यार, जिसको टाइम दिया हूँ ना, तू तो जानता है वो कैसी है। कौन सी वाली भाई? हीनारे मीनारे। अरे फजल यार, पैसे देना कुछ। चल जा, मजे तू करेगा, पैसा मैं दूँ। हाँ अरे देना यार। चल जा, महीने देता पैसे ऐसे। बस क्या यार, समझा करना यार। ले पकड़ ये रहे पैसे। ये देख, इसको बोलते दोस्त, दिल बड़ा होना चाहिए। अबे तेरे ही पैसे, तूने उस दिन रिक्शे के भाड़े दिए थे ना, जायश कर। अबे तेरी तो। चल भाई, निकल रहा हूँ मैं।
मेरे इतने बताने पर भी तुम लोगों पे कोई असर नहीं हुआ यार। हुआ भाइयों हुआ। तू बोले तो अभी नमाज के लिए उठ के भाग जाओ। देख वही दिल पे मत ले यार, हम लोग भी सब जानते हैं, सब तो नहीं, तूने बताया तो जान गए, और अल्लाह ने चाहा तो हम लोग भी सब करेंगे यार, सब छोड़ देंगे, तेरी तरह बन जाएंगे बिल्कुल, क्यों आमिर। चल ये देख, इना मीना के चक्कर में अपना बैग भी छोड़ के गया। तुम लोगों पे कोई बात का असर होने वाला नहीं यार, ताले लगा दिए अपने दिलों पे तुम लोगों ने। अभी अभी इस बात का खुलासा हुआ है कि ये वो एक जेंट है। अरे यार न्यूज़ में बहुत दिखा रहे हैं इसके बारे में, मैं जानता हूँ इसके बारे में, और जलाने का दावा कर रहा है, जबकि वहीं पर मुसलमानों का ये कहना है कि ये इसकी जादुई ट्रिक है, जबकि मारने और जलाने वाला सिर्फ एक ही ईश्वर है। यहाँ हम ये बताते चले कि बहुत से धार्मिक लोगों का ये भी कहना है कि ये वो शख्स है जिसका बरसों से इंतजार था, और अब इसे अलग अलग नामों से लोग पुकार रहे हैं, और इसकी मुझे अपनी पनाह में ले ले। लोगों को इस फितने से महफूज रखो। और भी है, देखते रहिए, लौट आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अबे क्या हो गया इसको? ये न्यूज़ में बहुत दिन से सुन रहा हूँ भाई, मुझे लगता है ये कोई जादूगर है यार, इसे कोई और किसी नाम से बुला रहा है, कोई और किसी नाम से बुला रहा है। नहीं यार, मेरा दिल डूबा जा रहा है। अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले, अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले। अबे यार इसे क्या हो गया यार? मालूम ये देख बैग भी भूल के गया। ए वहीद, अरे वहीद को गाड़ी ने ठोक दिया। शिट, उठा यार उसे जल्दी। रिक्शा, ए वहीद उठा उसको। आप खुली रख मेरे यार, ये फजल को फोन लगा यार, फजल को फोन लगा। हेलो, मजाक बंद कर यार, वहीद का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ यार, अपने होटल के सामने से वो निकल रहा था और उसे गाड़ी ने ठोक दिया यार। क्या बोल रहा है तू? अरे मजाक छोड़, पहले बता कहाँ मिलेंगे। अबे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम लोग रिक्शे में उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तू कहाँ यार, तू कहीं भी है, चल जल्दी आ जा यार। क्या बोल रहा है तू? यार अपने कोने वाली होटल से वो निकल रहा था और उसे गाड़ी ने वहीं उड़ा दिया यार। हाँ तू जल्दी आ, बस तू जल्दी आ, कैसे भी जल्दी आ जा यार। ठीक है, तुम हॉस्पिटल में रुको, मैं अभी आया बस। हाँ बस मैं डैड के ऑफिस पहुंच चुका हूँ, बस मुलाकात करके अभी भाग कर आता हूँ मैं। हाँ हाँ जल्दी आ, जल्दी आ यार। आप खुली रख यार, ये भाई रख, ये भाई, ये भाई रख, आप खुली रख यार, आप खुली रख, खुली रख। ये पूरी फाइलें। तुम 2 बजे आने वाले थे? वो एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, डैड वहीं रह गया था। हाँ तो तुम सारी लिस्ट तैयार कर लो और कल तक सारे गरीबों को पैसा पहुंच जाना चाहिए। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अपने फायदे और नाम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कल तक हर गरीब तक पैसा पहुँच जाना चाहिए। अच्छा और हाँ एक बात याद रहे, मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा इंतजाम होना चाहिए ताकि हमारी कंपनी का दूर दूर तक नाम फैले। और एक बात याद रखें, ये काम पूरी दुनिया को दिखाई देना चाहिए। जाइए। वहीं रुको, अब भी आया मैं। क्या बात है फजल? डैड मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है। डैड मैं आपसे बाद में मिलूंगा। डैड अरे फजल ये भी तो जरूरी। हाँ मेरे, हाँ तुम हॉस्पिटल में हो? हॉस्पिटल में पहुंचता हूँ, तुम वहीं रुको। फजल हॉस्पिटल में जा, टेरेस पे आ जा तू। हाँ टेरेस में? हाँ वो अंकल के टेरेस पे यार, वही बिल्डिंग के टेरेस में ना। ठीक है तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है। वो
वो अभी अभी तो हमारे साथ था यार, ये कैसे हो गया यार? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता यार, कैसे हो सकता है यार? हमसे कहता था मौत आनी है, बुरे काम मत करो, अच्छे काम करके कौन सा जी लिया यार? इसका मतलब हम लोग नहीं मरेंगे क्या बे? मगर यार चलो उसके घर चलते हैं, डेड बॉडी लाए ना उसके घर वाले। पिछले 3 से 4 सालों का अगर जायजा लिया जाए तो पता चलता है किस तरह जलजलों की तादाद पूरे दुनिया भर में बढ़ गई है और जमीन के अंदर हो रहे उथल पतल से पानी का संतुलन भी बिगड़ रहा है, जिसके नतीजे में सुनामी जैसी चीजें जन्म लेती है। इस दौर में जहां नेचुरल डिजास्टर अपने उरूज पर है, वहीं इंसान भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता। हर आए दिन आप देखेंगे नेचुरल डिजास्टर से होने वाले नुकसान से ज्यादा नुकसान इंसान खुद करता है। हेलो, हाँ वसीम, बस बैठा हूँ यार, ये सब ऑनलाइन देख रहा था यार, दुनिया भर के झमेले। हाँ देखना किस कदर यार सब सुनामी, ना वॉल्केनो ना जलजले, कैसी तादाद बढ़ गई ये सब चीज़ों की यार, और ऊपर से ये सब करंट अफेयर्स देख, हाँ मजाक चल रहा है जैसे यार हर तरफ। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वहीद की सारी बातें सही हो रही हैं। हाँ हाँ क्या बोलता था अपना वो साल का महीना, महीनों का हफ्ता और हफ्ते का दिन और दिन के घंटे। अरे नहीं रे डर मत। नहीं उसकी रूह नहीं आई मेरे अंदर। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग वहीं मिलो फिर। हाँ दोनों जन नाके पे आ जाओ, मैं वहीं से पिकअप कर लेता तुम लोगों को। ओके ओके ठीक है, चल सी यू। हाँ ठीक, ओके ओके टेक केयर, चल बाय। ये रिपोर्ट सर समझ में नहीं आ रहा सर अरे ये ऐसे कैसे हो ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं ये तो कुछ अजीब लगता है देखिए सर मैंने दूसरे मौसम विभाग से भी पता किया है सब जगह यही रिपोर्ट है सर नहीं इसमें तो कुछ एरर लगता है ये तो कुछ अजीब सा है देख काम करो इसको फिर से चेक कर लो अच्छी तरह चेक कर लो। ए इसको देख, ए थकेले उठ जा, सो रहा है क्या? चलो यार मेरा तो आज टीना के साथ है प्रोग्राम। क्या फजल, तेरा तो आज डांस प्रोग्राम है ना? हाँ मज़े करेगा दे, सही है, खूब मज़े कर। और तू कहाँ जाने वाला है? तो तेरा भी तो कोई प्रोग्राम तो नहीं है? हाँ हाँ मज़े कर भाई। सर तुम्हारा ड्रॉप कर देता हूँ। देखिए सर मैंने आपको इसलिए बुलाया था सर, जमीन के ज्यादातर हिस्सों में एक ही किस्म की हरकत नजर आ रही है सर। ये कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? एक काम करो सारी मशीनों को फिर से चेक करो। ओके सर।
उठा यार। हाँ बोल बे। हेलो वसीम। हाँ बोल यार। क्या तूने देखा? हाँ सूरज ना। क्या ये सच में हो गया? हाँ यार सच में तो हुआ है। तो की कयामत हो के रहेगी? अरे छोड़ यार, फजल भी अपने डैड से मिल के आता होगा, तू भी जल्दी आ चल। आज इस बात को लेकर काफी आश्चर्य हो रहा है कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकला है, यानी कि ईस्ट की जगह वेस्ट से निकला है। इस बात को लेकर काफी अफरा-तफरी मच गई है, ऐसा पृथ्वी पर पहली बार हुआ है, जनता काफी परेशान हो गई है। लोगों ने बड़े पैमाने पे सूर्य की पूजा करना शुरू कर दिया। अभी अभी खबर मिली है, साइंस का यही कहना है कि सूरज अब पश्चिम से ही उदय होगा। या हम ये बताते चले, मुसलमानों का मानना है कि ऐसा दुनिया के आखिरी वक्त में होगा, जब होने वाली होगी कयामत, यानी के महाप्रलय। हाँ फजल हो गया। क्या बात है डैड? और ये पूरा स्टाफ कहाँ डैड? क्या बताऊँ, चले जाओ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। डैड आखिर कहाँ ने चले जाओ, वक्त नहीं है मेरे पास, किसी के पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं रहा किसी के पास, दुनिया में वक्त नहीं रहा। माफी तौबा, लेकिन अब तो तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बिल्कुल नहीं रह गया। सूरज का बवाल सुना तूने? पूरी दुनिया इसका चर्चा कर रही है यार, और साइंस कह रही है कि दुनिया उस पॉइंट पे आ गई जहाँ से इसे उल्टा घूमना है। अब तक मैं भी ऐसे सोचता आ रहा था यार, लेकिन वहीद की बातें तो याद है ना तुम लोगों को, और डैड की बातें आ देखते हैं। नेट एक्सेस नहीं हो रहा यार, मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है यार। क्या हुआ, क्या पढ़ लिया तूने? यार सब कुछ वैसा ही हो रहा है यार, जैसा कि कयामत की निशानियां बताई गई है, और हम लोगों ने इस बात को कभी सीरियस ही नहीं लिया यार। बताना है यार, क्या बात कर रहा है तू? क्या डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा? अब तो डरा कर भी कुछ नहीं सकता दोस्त। लिखा था सूरज के उल्टा निकलने के बाद तौबा के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, और बस समझो कयामत का वक्त हो चुका हो, मतलब अभी है यार, और ऐसे में सारे अच्छे लोगों को उठा लिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये वक्त वही हो सकता है। मुझे सुबह से ऐसे कुछ लग रहा था यार, न जाने क्यों सुबह से डर से लग रहा है। मतलब यार हम फजल मेरे यार, यानी वो वक्त आ ही गया। अल्लाह मैं माफी कैसे मांगूंगा, अल्लाह मैं तौबा कैसे करूंगा, अल्लाह मैं दूसरों की मदद करूंगा, बुराई की तरफ नहीं जाऊंगा, अल्लाह मैं अपने माँ बाप की बात सुनूंगा, अल्लाह उनका कहना मानूंगा। अल्लाह अब्बा तो अच्छे लोगों में से थे यार, मैंने अम्मी अब्बा को कितनी तकलीफें दी है। या अल्लाह मैंने तेरी कितनी नाफरमानी की है। या अल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा, या अल्लाह अपने माँ बाप को तक नहीं कहूंगा। अल्लाह वहीद तो सही कहते ना वहीद? अरे रुक जा यार, अरे सुनो यार, जरूरी तो नहीं ऐसा ही होगा यार। तू अब भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है, जबकि माफी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं यार। मैं जा रहा हूँ, या अल्लाह मैं जा रहा हूँ। वसीम यार
सभी अपने अपने कंप्यूटर संभाल लो और सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरी जमीन का माहौल बिगड़ा हुआ है, सूरज जमीन के करीब आ रहा है और ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है। सर सर एक्सक्यूज मी सर, ये देखिए मैंने सारे मशीन चेक किए सर, किसी में कोई गड़बड़ नहीं सर, मतलब सारी रिपोर्ट सही थी सर। सर सर ये यहाँ सारे पहाड़ी इलाके फट रहे हैं सर। अब मेरे क्या होगा, अब मैं क्या करूं? काश इस बात पर यकीन लाया होता। या अल्लाह एक चांस दे अल्लाह, मैं माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूँ। या अल्लाह एक चांस अल्लाह, मैं सारे ठीक करूंगा, मैं अल्लाह की हिदायत करूंगा। काश इस पर यकीन लाया होता अल्लाह।
जाते रहे हम लोग। तो क्या अभी दोपहर हो रही है बे? भाई कौन सी दुनिया में तू? मौसम पे मत जा भाई, घड़ी देख, आज सुबह से बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, धूप का तो नामो निशान नहीं है। पता नहीं न्यूज वाले भी क्या क्या बता रहे हैं। छोड़ अपने को क्या फर्क पड़ता है यार, तू आ जा जल्दी, हम लोग तेरा वेट करें। चल भाई। क्या ये लोग बस खयामत के इंतजार में हैं कि वो इन पर अचानक आ जाए? उसकी निशानियां तो सामने आ चुकी है, तो जिस वक्त खयामत इन पर आ पहुंचेगी, फिर इनके लिए होश में आने का मौका कहां नसीब रहेगा।